हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर जब भी आप फोटो डालते हो तो आप सोचते रहते हो कि यार कौन सा शायरी आज लिखूँ, किस तरीके के शायरी लिखूँ। तो वैसे शायरी लिखने के लिए आपको दिमाग में उस समय क्या होता है, नहीं आता रहता कि आज कौन शायरी लिखूँ कौन सा शायरी नहीं लिखूँ। चलो आज छोड़ देते हैं, कल फिर फोटो डाल देंगे, फिर वही बात कल सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना है फेसबुक में और मैं आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे क्या होगा आपका शायरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी अनेक प्रकार का जो है आप यहाँ पर शायरी अपने फोटो पर जो है डाल सकते हैं। आपको जाना है फोटो में और जैसे फेसबुक पर फोटो डालते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक फोटो ले लेना है। जैसे कि ये मेरा फोटो है, मैंने इसको ले लिया और इसे नेक्स्ट कर देना। और नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है कुछ लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको किसी शायरी तो पता नहीं है तो आप फिर क्या लिखिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे बीच से कट कर देना है, इसे बीच के काट के। और फिर क्या करना है, आपको गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, हिंदी शायरी। हिंदी शायरी यहाँ पर सब अनेक प्रकार का आपको मिल जाएगा, जैसे कि हिंदी शायरी एटीट्यूड, हिंदी शायरी लव, हिंदी शायरी दोस्त, इसी तरीके से आपको जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से एटीट्यूड वाला में या कोई भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आ चुका है, आपको बहुत सारा यहाँ पर जो है शायरी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ से आपको एक देख लेना है कि आपको कौन सा पसंद आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है, जो भी आपको यहाँ पर शायरी अच्छा लगेगा उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे कि इसको मैं कर रहा हूँ, जैसा भी अच्छा है या बुरा अपने लिए हूँ, तो इसको आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है लॉन्ग प्रेस, इस पे जो लिखा हुआ है इस पे। अब इस पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसको क्या कर लेना है, पूरे कर देना है, पूरा साइड में इस तरीके से आपको कर देना है। इसे करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर में लिख रहा है कॉपी, उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद में बहुत ही आसानी से इसको क्या करना है, बीच से फिर से आपको काट देना है, फिर से आपको चले जाना है फेसबुक में। और फेसबुक में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है लिखने वाला जो यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है उस पर आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लिक कर देना है और उस पर भी लॉन्ग प्रेस कर देना है थोड़ा देर। और जैसे आप उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा पेस्ट का ऑप्शन, इसको क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। कुछ भी नहीं आपको करना है, बस इतना करना है, आपका जितना भी फोटो है सारे में इस तरीके से आप एक से एक प्रकार का शायरी लगा सकते हो, इस तरीके से आपको पोस्ट कर देना है। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी तरीके से जो है आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने फेसबुक पर कोई भी शायरी, बहुत ही आसानी से जो है आप लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।